नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल यूट्यूब के यूनुसी आईटीसी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के परिवहन है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी रेल परिवहन की, जो आपको काफ़ी पसंद आई होगी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ इस पर सड़क परिवहन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि परिवहन चार प्रकार के होते हैं। परिवहन कहते किसे हैं? परिवहन कहते हैं मनुष्य के माल, एसबाब, जानवर या किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली वस्तु को या यंत्रगत वाहन को परिवहन कहते हैं। भारत में परिवहन चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक सड़क परिवहन है, जिसे कहते हैं हम रोडवेज या रोड ट्रांसपोर्ट। दूसरा रेल परिवहन है, जिसे ट्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और तीसरा परिवहन है वाटर ट्रांसपोर्ट। और चौथा है एयर ट्रांसपोर्ट, जिसे वायु परिवहन कहते हैं। तो इसमें से हमने जो रेल परिवहन है वो टॉपिक आपको बता दिया है। आज का जो नया टॉपिक है ये सिर्फ सड़क परिवहन है, हम इसी पे सिर्फ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी जो वीडियो आने वाले समय में अपलोड होती हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है उस पर हम बात को बात करेंगे, लेकिन आपको पहले मैं सड़क का इतिहास बता दूं कि सड़क परिवहन में जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या हैं। सबसे पहले, हमारे देश की जो सड़क प्रणाली है विश्व में दोस्तों तीसरे स्थान पर आती है। और हमारे देश में जो नेशनल हाईवे, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, उनकी संख्या 176 है। भारत में ग्रैंड ट्रेक रोड जो जनक कहा जाता है वो शेरशाह सूर्य कहा जाता है, जिसने हमारे देश में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। हमारे देश में जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं सड़क परिवहन में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किए हैं। हमारे देश में 176 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, लेकिन इनमें जो सबसे मेन पॉइंट हैं, जो मेन हैं, वो 8 बताए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, जिसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को तो ग्रैंड ट्रंक को कह दिया गया, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो कि हमारे देश की सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और 6 इससे दूसरे नंबर पर आता है, और 47 का ए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो दोस्तों कुल उनकी जो लंबाई बताई गई है वो 34 लाख किमी बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, यातायात का सर्वाधिक सुगम साधन क्या है? हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर और सड़कें जो हैं कच्ची हैं, उन सड़कों को जोड़ने के लिए सड़क परिवहन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट बताया गया हमारे देश में वो है सड़क। प्रधानमंत्री, हर बार जो भी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कार्य किए हैं सड़क परिवहन पर किए हैं, क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसका प्रमुख कार्य बताया गया सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो है ग्रामों को शहर से जोड़ने के लिए भी कई योजनाएं हमारे देश में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यातायात का सर्वाधिक सुगम साधन क्या है? तो यातायात का जो सर्वाधिक सुगम साधन है वो है सड़क संसाधन। अगला, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में और रेख रखाव का जो व्यक्तित्व कौन निभाता है? तो दोस्तों, पीडब्ल्यूडी हमारे देश की एक सबसे अच्छी राष्ट्रीय प्राधिकरण है। इसके ही द्वारा हमारे देश में जितने भी कार्य हो रहे हैं सड़क परिवहन में, और जो नई सड़क बनाई जा रही हैं, जो टूटे हुए होती हैं सड़कें, उन सब का कार्य भी पीडब्ल्यूडी करता है। पीडब्ल्यूडी का जो पूरा नाम है वो पब्लिक फंड वर्क डिपार्टमेंट, जिसका कि लोक निर्माण विभाग, जिसकी स्थापना सन 1860 में लॉर्ड डलहौजी ने कराई थी। अगला, तीसरा दे रखा, भारत में लोक निर्माण विभाग, तो अभी बताया था ये जिसे पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, किसकी स्थापना कब हुई थी? 1860 में। अगला दे रखा, भारत की सड़क प्रणाली विश्व की कौन सी प्रणाली है? तो भारत की दोस्तों जो सड़क प्रणाली है वो विश्व की तीसरी सड़क प्रणाली है। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, वर्तमान में एक योजना चल रही है भारत सरकार द्वारा, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना वर्तमान में भारत के 15 राज्यों से संबंधित है, और गुजरात से स्टार्ट होती है, और मिजोरम, गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और लास्ट में जाकर मिजोरम पे इसका समाप्त होता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 30 अप्रैल 2015 को की गई है, जो कि हमारे देश में वर्तमान में कार्यरत है। अगला, भारत की सड़क प्रणाली बता दी गई थी। पांचवा है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है?
तो अभी आपको ये पॉइंट बता दिया गया था कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, कितनी है, 176। अगला दे रखा है भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है वो है NHAI। कौन सी है? NHAI। इसमें जो है पहला ही है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला देखेंगे किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं, तो महाराष्ट्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कि सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। दोस्तों राजमार्गों की जो हमारे देश में कुल लंबाई है, उस कुल लंबाई का जो सड़क परिवहन है वो 1.7 से 2% है, यानी कि संपूर्ण देश का जो 40% भार है सड़कों का वो कि सड़क परिवहन पे डिपेंड करता है। और जो सड़क परिवहन है उसका अगर बात करें निर्माण में, तो 80% योगदान हमारे देश में सड़क परिवहन का है। नमा देखेंगे सबसे अधिक लंबी सड़कें किस राज्य में है, तो सबसे जो लंबी सड़कें हैं किस राज्य में है वो है उत्तर प्रदेश में, और सबसे अधिक कच्चे जो सड़कें हैं वो उड़ीसा राज्य में है। नमा बता दिया है क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है सबसे बड़ा राज्य है, तो जनसंख्या अधिक है, इस वजह से सड़कें भी अधिक हैं। 10, भारत के किस राज्य में राजमार्ग सबसे अधिक है, तो राजमार्ग सबसे अधिक किस राज्य में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे अधिक जो राजमार्ग होंगे वो भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों राजमार्ग नंबर 6 सबसे अधिक चलता है। 11, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है, तो ये भी हमारे देश का गौरव है कि विश्व में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर सड़क है वो हमारे देश की है, लेह और मनाली की। अब यहाँ जो पॉइंट है वो है सीमा सड़क संगठन। सीमा जो सड़क संगठन है वो क्या है दोस्तों, जो हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्रों को सन 1960 में प्रधानमंत्री द्वारा बॉर्डर जो संगठन है उसकी स्थापना की गई थी, और जितने भी हमारे बॉर्डर हैं उन सब पर जो सड़क बनाई जाएगी वो बनाई गई थी। कब? 1960 में प्रधानमंत्री द्वारा। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 किस नाम से जानी जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 जो जानी जाती है वो GT रोड जानी जाती है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने हुमायूं के शासनकाल में किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2, एक जो जाती है वो दिल्ली से अमृतसर तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1226 किमी है, और जो दूसरी है वो दिल्ली से कोलकाता जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1490 है। दोस्तों पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो समझ, उम्मीद नहीं है कि आप समझ पाएंगे, पूरा वीडियो देखें तभी आएगा ये समझ। अब यहाँ जो दे रखा है वो है 13, भारत में GT रोड किसने बनवाया था, तो भारत में जो GT रोड बनवाया था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, किसके? शाहजहां के शासनकाल में। अगला, सीमा सड़क संगठन, जो अभी मैंने आपको बताया था कि सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना की गई थी वो 1 मई सन 1960 में की थी, और किसने करवाई थी सीमा सड़क संगठन की स्थापना, 1960 की बात कर रहा है यहाँ, तो 1960 में हमारे देश के कौन से कौन प्रधानमंत्री होंगे, तो कौन होंगे? लाल बहादुर शास्त्री तो होंगे नहीं, ना ही इंदिरा गांधी होंगे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जो सीमा सड़क संगठन है सीमाओं को बांधती है, और जो देश की सीमाएं हैं उन सबको बनवाने का जो कार्य है वो सारा कार्य सीमा सड़क संगठन का, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये जो मंत्रालय है भारत का वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जोड़ा गया है सीमा सड़क संगठन को। अगला, सीमा सड़क संगठन के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है, तो अभी आपको बताया था सीमा सड़क संगठन के संस्थापक किसे कहा जाता है, नरेंद्र मोदी तो वर्तमान में है, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16, भारत में सड़कों का जो निर्माण कराता है वो सड़कों का निर्माण कौन कराता है, तो दोस्तों हमारे देश में जितने भी पुलों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, सड़क टूट रही है उन सबका निर्माण हो रहा है, और जो स्तंभ लगे होते हैं सड़कों पे उन सब का निर्माण PWD यानी लोक निर्माण विभाग कराता है। 17, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये कन्याकुमारी से वाराणसी जाता है, जिसकी की कुल लंबाई 2369 किमी है। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों कि NH7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो NH7 है
कितने राज्यों से हो जाता है, ये हो जाता है 7 राज्यों से। जो 7 राज्य हैं उनमें सबसे अधिक, दोस्तों 6 राज्यों से सॉरी, तो जो 6 राज्य हैं उन 6 राज्यों में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से NH7 सबसे अधिक गुजरता है। उत्तर प्रदेश से 128, मध्य प्रदेश 504, महाराष्ट्र से 232, कर्नाटक से 125, आंध्र प्रदेश से 753 और तमिलनाडु से 632 सबसे अधिक इन राज्यों से गुजरता है। अगला, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 47 का ए है, जो कि केरल में स्थित है, और केरल में वेम्बनाद झील पर स्थित है और वेलिंगटन द्वीप में है। अगला, भारत का सबसे छोटा रेल मार्ग किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? केरल में। 22, जवाहर सुरंग किस हाईवे पर स्थित है? तो दोस्तों जो जवाहर सुरंग है इसे ग्रैंड ट्रैक रोड पर ही स्थित है, और ग्रैंड ट्रैक रोड कौन सा है? NH1 है। अगला, भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का दूसरा जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH6, जिसकी जो लंबाई है 1945 किमी है। अब इसमें दे रखा है अगला क्वेश्चन कि कौन सा राजमार्ग उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH6। ये एक पॉइंट हो रहा है दोस्तों कि भारत में सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जब सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों, उसी वक्त भारत सरकार ने सन 1960 में ही सीमा सड़क संगठन बोर्ड की स्थापना कर दी, जिसे कहते हैं हम BRDB। इसका जो कार्य होता है, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं उनका ही सड़कों का निर्माण करना इसका कार्य है। अगला, कौन सा राज्य मार्ग यूपी में सबसे लंबा है? तो अभी आपको बताया था छठा छठा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कहाँ से कहाँ तक है, कोलकाता से मुंबई। अगला जो दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन है कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना, इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो जम्मू को जो श्रीनगर से अलग करता है वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH1 पे है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क परिवहन से संबंधित है। 27 दे रखा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की स्थापना कब हुई थी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1999 हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज का दोस्तों पहले क्या था कि ये 4 राज्य थे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। पहले अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। भारत सरकार ने वर्ष 1999 में इन राज्यों को आपस में गलियारे बना करके इन्हें आपस में मोड़ दिया और इनके एक चौराहा बनाया जिसे स्वर्णिम परियोजना बोला है। उस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आप कहीं को भी यहाँ जा सकते हैं यहाँ से। इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब आता है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की जो सड़क निर्माण की स्थापना यहाँ लखनऊ में हुई थी। आप दोस्तों ध्यान रहेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जो स्थापना की थी दोस्तों वो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जो पूर्ण रूप से 2001 में प्रारंभ कर दी थी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो कहाँ से कहाँ तक सबसे अधिक है? तो कोलकाता से में सबसे अधिक चलती है और दूसरे नंबर पर चेन्नई है। अब पॉइंट है कि राज्यों में सड़क परिवहन को कौन देखता है? तो राज्यों में जो सड़क परिवहन को कौन देखता है वो देखता है PWD। अब अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास ये है कि अमन सेतु के नाम से हाल ही में वर्ष 2006 में एक योजना स्टार्ट की गई थी, ये क्या थी? तो दोस्तों अमन सेतु एक पुल था जिसका निर्माण किया गया था, एक अटल सेतु पुल है, ये रावी नदी पर बनाया गया था और भारत के द्वारा प्रथम केबल पर आधारित पुल था, ये ध्यान रहेंगे दोस्तों। अब यहाँ अगला पॉइंट जो दे रखा है ये आपका 30वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ। अब आता है देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? देश का जो दोस्तों सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है वो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका निर्माण मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया था। सागरमाला परियोजना मैंने आपको अभी बता दी है, सागरमाला परियोजना इसके बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में जो सड़क निर्माण का मुख्यालय है वो भी लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश में कुल 20 क्षेत्र हैं जिसमें कुल 106 बसें का डिपो बनाया गया है। मुख्यमंत्री